विल यू बी माई गर्लफ्रेंड? नो नो नो. एक्सक्यूज मी. हाय. 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 बड़े खूबसूरत लग रहे हो यार. थैंक्स. धन्यवाद. कहाँ से हो आप? मैं रशिया. रशिया. अच्छा, रशिया से हो. अरे वाह, आपने दिल को गदगद कर दिया. कहाँ रहते हो आप इंडिया में? साउथ दिल्ली में. बसंत. साउथ दिल्ली में. तो रसिया में सारी लड़कियां इतनी, मतलब इतनी लंबी हाइट की, इतनी खूबसूरत, एकदम आइटम बम जैसी दिखती हैं, या आप ही हो? ज्यादातर तो हाँ ऐसे हैं. सब ऐसे ही हैं? नहीं, सब तो नहीं. तो लेकिन इंडिया से ज्यादा खूबसूरत है थोड़े से. अच्छा, थोड़े से खूबसूरत है. हाँ, थोड़े. अच्छा, तो आपको इंडिया आके कैसा लगा? मैं कैसे हिंदी मतलब मुझे आती है या क्या? नहीं, हिंदी तो आप सीख गए हो, आप परफेक्ट बोल ही रहे हो. फिर तो इससे अच्छी क्या चीज होगी, अब इंडिया में आपने इतना कुछ सीख लिया. वैसे मेरा नाम सोमेश है. Okay. और आपका क्या नाम है? कोको. क्या? कोको. के ओ के ओ. कोको. यस. अरे वाह, कोको. यार क्या नाम है यार आपका. क्या कर रहे हो आप? कुछ समझ में नहीं आ रहा. व्लॉगिंग. व्लॉगिंग कर रही हूँ. बता रही हूँ कि इंडिया दिल्ली में सबसे मशहूर जगह कनॉट प्लेस. अच्छा, आप तो इस कनॉट प्लेस को एक्सप्लोर कर रहे हो? एक्सप्लोर. ओ वाह, ब्यूटीफुल. यार आपकी आंखें तो ऐसी एकदम मतुसाला, लाइक इसमें डूब न जाएं हम. तो इतनी खूबसूरती पहली बार देख रहे हैं. ऐसे आप बोल रहे, दिल पिघल जाता है. अरे क्या करते हो वैसे आप? मैं यहाँ पे बस मौज लेते, मजा लेती हूँ जिंदगी का मजा. क्या बात है, आप जिंदगी के मजे ले रहे हो. तो आप जो है रसिया से यहाँ कब आए? मैं पहली बार 2021 में. फर्स्ट टाइम 2021 में आई थी, यानी कि आपको लगभग लगभग 2 साल हो गए. दो साल लगभग लगभग. हाँ हुए हैं. हाँ. तो यार आप तो एकदम आइटम लग रहे हो, ऐसे लग रहा है कोई आइटम सॉन्ग शूट करने आए हो आप यहाँ पर. आपकी नौरा फतेही. है? नौरा फतेही की तरह. हाँ, नौरा फतेही को भी जानते हो आप? जानती हूँ. किस किस को जानते हो? दीपिका. उर्फी जावेद को जानते हो? ओ ये हाँ जानती हूँ. है? हाँ जानती हूँ. कैसी लगती है आपको? काफ़ी अजीब. अजीब लगती है. जो उसका जो पहनावा है वो जो जिस तरीके से पहनती है, पसंद करती हो मतलब या? मतलब अगर उनको अच्छा लगता है तो मैं कौन हूँ जज करने के लिए. नहीं, मैं तो हाँ बिल्कुल आपको बात कह रहा हूँ. तो मतलब थोड़ा सा अजीब. चलो वो सब बात छोड़ो, वो तो उर्फी जावेद वो अपना जाने, हमें क्या करना. हमें तो आप अच्छे लगे यार. तो यार आप इतनी खूबसूरत हो यार, हमारी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है. है? ओके, पर क्या करूं? तो क्या करूँ? हाँ. मैं चाहता हूँ कि आप जो है यार, आप सिंगल हो मिंगल हो? मैं सिंगल तो नहीं. सिंगल नहीं हो? सिंगल तो नहीं. तो आप किसके साथ मिंगल हो वैसे? एक है आशिक मेरा. है आशिक एक मेरा. अच्छा, आपका एक आशिक है. अच्छा, वो कौन है वो भाई साहब जो आपके आशिक हैं? इंडिया से ही यार आप? तो ऑफ कोर्स, अगर मैं इंडिया में रहती तो इंडिया से ही. उसे हटा दो अब. नो. है? नो. ऐसा बंदा नहीं मिलेगा. नो, आपको तो आप मेरे दोस्त. दोस्त नहीं, दोस्ती नहीं रखता मैं. नो. नहीं. हाय. विल यू बी माय गर्लफ्रेंड? नो. मैंने कभी रशिया लड़की को प्रपोज नहीं किया है. हाँ. तो मेरा प्रपोजल ठुकराओ नहीं. आपको पूरे इंडिया में ऐसा लड़का नहीं मिलेगा. सारी रशिया की लड़कियां दीवानी है मेरी, पता है आपको? सच में? आप क्या शाहरुख खान? शाहरुख नहीं, नहीं शाहरुख खान. हम पंडित जी हैं. okay. हैं सोमेश ब्रजवासी नाम है हमारा. अच्छा, okay, अच्छा लगा आपसे मिलके. आप मेरे दोस्त? मैं दोस्ती वाली बात कर रही हूँ यार, आप दिल तोड़ रही हो मेरा यार. सीरियसली बोल रहा हूँ. मैं चाहता हूँ आप मेरी गर्लफ्रेंड. चलो कोई नहीं, हम दोस्त तो बन ही सकते हैं. कोको. आई लव यू कोको. Like a friend. As a friend. As a friend. अरे वाह, समझते आप सब कुछ हो. तो वैसे ये बताओ, यहाँ इंडिया में आप क्या करते हो? मतलब इंडिया में. हाँ. बस रहती हूँ. मैं भी देख सकता हूँ ये कोको. हाँ. वाह कोको, यार ब्यूटीफुल, आप तो बहुत प्यारे लग रहे हो. कहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो? यहाँ से? नहीं, वो बटन दबाना चाहिए. अच्छा, इससे नहीं होता डायरेक्ट? हाँ. तो हेलो गाइज, आज हम कोको के साथ हैं. कोको आज हमारी फ्रेंड बनी है और कोको रसिया से है. तो, रसिया. हाँ. हिंदी रूसी भाई भाई. अब भी मेरे भाई. भाई? अब भाई वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया? दोस्त दोस्त. ठीक है. तो गाइस अभी तो कुछ आप बहुत मैं कौन हूँ? आपका बॉयफ्रेंड हूँ. नो. बॉयफ्रेंड नहीं हूँ. नो. क्या हूँ फिर मैं? दोस्त. तो गाइस चलो कोई नहीं, हमारी दोस्ती इनसे हो गई है. चलो अच्छा लगा, मिलते हैं. बाय. लो आपका ब्लॉग शूट कर दिया मैंने. शूट कर दिया. पता है आपको इससे बेनिफिट मिल जाएगा. कैसे पूछो? क्यों?
क्योंकि सामने कैमरा लगा रखा, मैं भी एक वीडियो शूट कर रहा था आपके साथ। ओह माय गॉड, सच में? हाँ, मेरा भी यूट्यूब पर चैनल है, तो हम एक ही लाइन के हुए। हाय हाय, तो आप इसलिए आए, मतलब क्योंकि आप यूट्यूब? ओके ओके ओके, तो मैं तो आप ब्लॉग शूट कर रहे थे, मैं सोचा जाऊँ मिलूँ, बात करूँ। वैसे आपसे मिलके बात करके अच्छा लगा मुझे। इसमें क्या लेके आयो? बस सामान, जैसे लड़कियों के लिए हेयर ब्रश, ऐसे ऐसे सन क्रीम, क्योंकि बहुत गर्मी है इंडिया में, कैसे सन क्रीम के बिना रह सकते हैं। हाँ, सन क्रीम तो आपने बहुत ज़्यादा लगा रखी है, वो दिख रहा है मुझे, बट आपको जरूरत क्या है? इतने गोरे हुआ, थोड़ा सा इंडिया का कलर आ जाएगा तो आप पर क्या बुराई है? क्योंकि चमड़ी खराब हो जाएगी। आपको पता है हमारे जो जो इंडिया के लड़के हैं, जो युवा पीढ़ी है, वो रशियन लड़कियों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। पता नहीं क्यों अट्रैक्ट होते हैं यार वो, जब उन्हें लगता है कि उन्हें रशियन की ज़रूरत है तो फिर वो कहते हैं हम रशिया जाएंगे, वहाँ से लड़की लाएंगे। पता नहीं ऐसा क्यों, आपको क्या फील हुआ इंडिया आके? इंडिया आके क्या फील हुआ, इंडिया के बारे में या इंडियन आर्मी के बारे में? इंडियन आर्मी नहीं, इंडिया में आके यहाँ की जो जो लड़के हैं उनको लेके क्या आपका ओपिनियन है? मतलब वो काफ़ी फ्रेंडली, काफ़ी मेहमान नवाज। तुम्हें अच्छा लगा आपको? हाँ। तो फिर मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? नो प्लीज, आप जिद मत कीजिए। मैं जिद नहीं कर रहा, मैं आपके साथ एक छोटा सा प्रैंक कर रहा था। हाँ। मैं जिद किसी से नहीं करता, और ना मैं आपको परेशान करने के लिए आया। सामने हाय कर दो, कैमरा लगा दो। तो कैसा लगा ये हमारा छोटा सा मजाक? मजाक तो हमने कुछ किया ही नहीं आपसे, बातें की, जस्ट नॉर्मल। हाँ, तो कुछ बोलना चाहोगे मेरे व्यूअर्स के लिए? हाँ, आपके साथ आपसे मिलना बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा, झूठ बोल लिया? सीरियस? नो, सच में। और आप काफ़ी फ्रेंडली हैं और काफ़ी फनी भी हैं, और आप यूट्यूब के लिए बहुत कामयाबी मैं विश करना चाहती हूँ आपके यूट्यूब चैनल के लिए।